हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प कोचिंग गंगानगर को और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। प्रश्न नंबर 1, किस राज्य द्वारा कुपोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए टिक्की मौसी नाम का शुभंकर अनावरण किया गया है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी ओडिशा। और इसका सही उत्तर है डी ओडिशा। प्रश्न नंबर 2, क्वैड मंत्रियों की बैठक न्यूयॉर्क में हुई, इनमें भारत के अलावा कौन से 3 देश शामिल हैं? ए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। बी अमेरिका, जापान, रूस। सी जर्मनी, जापान, श्रीलंका। डी जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया। और इसका सही उत्तर है डी जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न नंबर 3, तीनों सेनाओं के प्रमुखों की समिति के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? ए राजनाथ सिंह, बी कर्मवीर सिंह, सी बी एस धनोआ, डी विपिन रावत। और इसका सही उत्तर है डी विपिन रावत। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में दुनिया के नंबर 1 सर्च इंजन गूगल ने अपना कौन सा जन्मदिन मनाया है? ए 22वां, बी 21वां, सी 26वां, डी 24वां। और इसका सही उत्तर है बी 21वां। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 तलाक पीड़ितों को 6,000 रुपए सालाना देने की घोषणा की है? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। और इसका सही उत्तर है बी उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 6, प्रधानमंत्री कब भारत के खुले में शौच से मुक्त होने की औपचारिक घोषणा करेंगे? ए 14 नवंबर 2019, बी 10 दिसंबर 2019, सी 25 दिसंबर 2019, डी 2 अक्टूबर 2019। और इसका सही उत्तर है डी 2 अक्टूबर 2019। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में मालाबार अभ्यास सुर्खियों में है, यह आयोजित किया जा रहा है? ए जापान के तट के समीप, बी इंग्लिश चैनल के तट के समीप, सी अरब सागर में, डी बंगाल की खाड़ी में। और इसका सही उत्तर है ए जापान के तट के समीप। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में 64वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में राजस्थान के किस सांसद ने भाग लिया है? ए गजेंद्र सिंह शेखावत, बी अर्जुन मेघवाल, सी ओम बिरला, डी सीपी जोशी।
और इसका सही उत्तर है सी ओम बिड़ला। प्रश्न नंबर 9, बोगनविले द्वीप ने किस देश से आजादी के लिए जनमत कराने का निर्णय लिया है? ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी पापुआ न्यू गिनी, डी रूस। और इसका सही उत्तर है सी पापुआ न्यू गिनी। प्रश्न नंबर 10, वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम 2019 का आयोजन कहां किया जा रहा है? ए हेग, बी मुंबई, सी शिकागो, डी वाराणसी। और इसका सही उत्तर है बी मुंबई। प्रश्न नंबर 11, आईएनएस खंदेरी क्या है? ए गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, बी पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी, सी भारत की तीसरी परमाणु पनडुब्बी, डी भारत की दूसरी स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी। और इसका सही उत्तर है डी भारत की दूसरी स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी। प्रश्न नंबर 12, भोपाल मेट्रो का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? ए सम्राट अशोक, बी छत्रसाल, सी राजा भोज, डी शिवाजी। और इसका सही उत्तर है सी राजा भोज। प्रश्न नंबर 13, किस देश ने पहली बार अंडर 18 फुटबॉल का सैफ खिताब जीता है? ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी जापान, डी भारत। और इसका सही उत्तर है डी भारत। प्रश्न नंबर 14, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? ए 48वें, बी 50वें, सी 30वें, डी 44वें। और इसका सही उत्तर है डी 44वें। प्रश्न नंबर 15, हाल ही में ईश्वर चंद्र विद्यासागर पर आधारित संग्रहालय बनाने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? ए महाराष्ट्र, बी पश्चिम बंगाल, सी मिजोरम, डी उत्तर प्रदेश। और इसका सही उत्तर है बी पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर 16, हाल ही में पहली बार भारत में साइकिल पोलो लीग के आयोजन की घोषणा हुई है, यह आयोजित होगी ए हैदराबाद में, बी बेंगलुरु में, सी जयपुर में, डी गांधीनगर में। और इसका सही उत्तर है सी जयपुर में। प्रश्न नंबर 17, हाल ही में देश के किस हाई कोर्ट सहित सभी न्यायालयों में एकल प्लास्टिक पर रोक लगा दी गई है? ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी ओडिशा।
और इसका सही उत्तर है बी राजस्थान। प्रश्न नंबर 18, हाल ही में संपन्न हुई संयुक्त राष्ट्र आम सभा के 14वें सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ए मरिया फर्नाडा एस्पिनोसा, बी तिजानी मोहम्मद बंदे, सी जयंत नार्लिकर, डी कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। और इसका सही उत्तर है बी तिजानी मोहम्मद बंदे। प्रश्न नंबर 19, राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2017-18 में किस राज्य को पर्यटन में समग्र विकास श्रेणी में बेस्ट राज्य का अवार्ड मिला है? ए आंध्र प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी उत्तर प्रदेश, डी नागालैंड। और इसका सही उत्तर है ए आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 20, भारतीय रेलवे के सभी कोच में कब तक जैव शौचालय होंगे? ए 2 अक्टूबर 2022 तक, बी 2 अक्टूबर 2019 तक, सी 2 अक्टूबर 2021 तक, डी 2 अक्टूबर 2020 तक। और इसका सही उत्तर है बी 2 अक्टूबर 2019 तक। प्रश्न नंबर 21, हाल ही में किस देश ने गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के उपलक्ष्य में सिक्के जारी किए हैं? ए कनाडा, बी भूटान, सी सिंगापुर, डी नेपाल। और इसका सही उत्तर है डी नेपाल। प्रश्न नंबर 22, बॉलीवुड के किस अभिनेता का निधन हो गया जिन्होंने शोले फिल्म में कालिया का रोल किया था? ए वेन माधव, बी नरेंद्र झा, सी विजू खोटे, डी शक्ति कपूर। और इसका सही उत्तर है सी विजू खोटे। प्रश्न नंबर 23, राजस्थान में किसे एपेक्स इंडिया पर्यावरण उत्कृष्टता अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, बी सांभर साल्ट लिमिटेड, सी जेके सीमेंट, डी श्री सीमेंट। और इसका सही उत्तर है डी श्री सीमेंट। प्रश्न नंबर 24, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजस्थान के किस व्यक्ति को नवरत्न पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया है? ए गुमान मल, बी जगदीश चौधरी, सी गुलशन अग्रवाल, डी नरेश जैन। सही आंसर है डी नरेश जैन। प्रश्न नंबर 25, जलवायु परिवर्तन पर आईपीसीसी बैठक कहां संपन्न होगी? ए न्यूयॉर्क, बी नई दिल्ली, सी सिडनी, डी पर्थ। और इसका सही उत्तर है बी नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 26, स्कूली शिक्षा के प्रदर्शन में कौन सा प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है? ए केरल, बी तेलंगाना, सी अरुणाचल प्रदेश, डी राजस्थान।
और इसका सही उत्तर है ए केरल। प्रश्न नंबर 27, किसने वायुसेना के प्रमुख का कार्यभार संभाला है? ए एच एस अरोड़ा, बी बी एस धनोआ, सी राकेश कुमार सिंह भदौरिया, डी अजीत डोभाल। और इसका सही उत्तर है सी राकेश कुमार सिंह भदौरिया। प्रश्न नंबर 28, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल गोलकीपर गोल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ए अमेरिकी सरकार द्वारा, बी चीन सरकार द्वारा, सी ग्रीन पीस संस्थान द्वारा, डी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा। और इसका सही उत्तर है डी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा। प्रश्न नंबर 29, राष्ट्रीय सर्स तथा क्राफ्ट मेला 2019 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ए रघु शर्मा, बी अशोक गहलोत, सी अर्जुन राम मेघवाल, डी सचिन पायलट। और इसका सही उत्तर है डी सचिन पायलट। प्रश्न नंबर 30, सौभाग्य योजना के तहत किस राज्य में सभी घरों में बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा कर नया रिकॉर्ड बनाया है? ए हरियाणा, बी झारखंड, सी मिजोरम, डी जम्मू कश्मीर। और इसका सही उत्तर है डी जम्मू कश्मीर। प्रश्न नंबर 31, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति उम्मीदवार की नागरिकता पर सवाल उठाए गए हैं? ए श्रीलंका, बी पाकिस्तान, सी भूटान, डी जापान। और इसका सही उत्तर है ए श्रीलंका। प्रश्न नंबर 32, हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक प्राचीन नदी की खुदाई कहां पर की है? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। और इसका सही उत्तर है डी उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 33, किस देश ने महात्मा गांधी पर डाक टिकट जारी की है? ए अलास्का, बी मोनाको, सी न्यूयॉर्क, डी ब्रिटेन। और इसका सही उत्तर है बी मोनाको। प्रश्न नंबर 34, गांधी फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? ए दिल्ली, बी कलकत्ता, सी मुंबई, डी गांधीनगर। और इसका सही उत्तर है सी मुंबई। प्रश्न नंबर 35, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे स्वच्छता एम्बेसडर सम्मान से सम्मानित किया है? ए अमिताभ बच्चन, बी लता मंगेशकर, सी शाहरुख खान, डी सचिन तेंदुलकर। और इसका सही उत्तर है डी सचिन तेंदुलकर। प्रश्न नंबर 36, भारत के सबसे बड़े चरखे का उद्घाटन कहां किया गया है? ए नई दिल्ली, बी कानपुर, सी लखनऊ, डी नोएडा।
और इसका सही उत्तर है डी नोएडा। प्रश्न नंबर 37, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर स्वच्छ ऊर्जा पहल शुरू करने की घोषणा की है? ए नीति आयोग, बी अमेरिका, सी उत्तर कोरिया, डी रूस। और इसका सही उत्तर है बी अमेरिका। प्रश्न नंबर 38, हाल ही में किस राज्य में प्लांट ऑफ प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है? ए असम, बी मेघालय, सी पंजाब, डी राजस्थान। और इसका सही उत्तर है ए असम। प्रश्न नंबर 39, स्पेन और किस देश की सरकारों के नेतृत्व में विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वच्छ वायु गठबंधन कार्यक्रम शुरू कर रहा है? ए ब्राजील, बी चिली, सी अर्जेंटीना, डी पेरू। और इसका सही उत्तर है डी पेरू। प्रश्न नंबर 40, किस देश के प्रधानमंत्री 4 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंची है? ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी श्रीलंका, डी मालदीव। और इसका सही उत्तर है ए बांग्लादेश। धन्यवाद।